हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू योर फेवरेट शो फूड फैक्टर। दोस्तों, अगर एक मैं सिंपल सा सवाल करूं एक किसी भी 5 साल के बच्चे से कि आपकी हड्डियां यानी कि आपके बोन्स स्ट्रांग किस चीज़ से बनते हैं, तो मुझे सिर्फ एक जवाब मिलेगा और वो भी सही, कैल्शियम। दोस्तों, आखिर कैल्शियम की हमारे डाइट में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और उसके फंक्शंस क्या हैं, आइए देखते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर मीना शाह जी से। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर, सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि कैल्शियम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। शायद 5वीं कक्षा से ही ये पढ़ाया जाता है कि कैल्शियम आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है, आपके हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, नाखून अच्छे रहते हैं। इट्स वेरी कॉमन थिंग, बट मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में डिटेल में बताएं। देखिए, जो कैल्शियम है वो एक इट्स नेवर अलोन। एक तो वो सॉल्ट फॉर्म में होते हैं कैल्शियम, जैसे हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होंगे, तो अलग अलग जगह अलग अलग सॉल्ट के रूप में होंगे। तो कैल्शियम का इम्पॉर्टेंट है, एक तो हड्डियों के लिए, दांत के लिए, नाखून के लिए, और दूसरा है हमारे नर्व्स, जो नर्व्स में कम्युनिकेशन होता है, पास होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास होती है थ्रू नर्व्स, देयरफॉर दैट आल्सो कैल्शियम इज वेरी इम्पॉर्टेंट के लिए। हर चीज, काफ़ी चीज़ों के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, और हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में कैल्शियम लेना है। हाँ, अगर हमें कैल्शियम अपनी हड्डियों तक अच्छे से पहुंचाना है तो सिर्फ लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ एक्सरसाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक बहुत गलत फहमी है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप कैल्शियम की गोली ले लो, नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर बचपन से ही कोई व्यक्ति अगर 15 साल की उम्र से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हैं, नेचुरल कैल्शियम रिच खाना खाते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज में से कैल्शियम मिलता है वो ज़्यादा लेते हैं, और ज़रूरत हो तो डॉक्टर्स के गाइडेंस के नीचे ही कैल्शियम की गोलियाँ लेते हैं, तभी हड्डियाँ हरदम स्ट्रांग बनेगी, हरदम स्ट्रांग रहेगी। सो कैल्शियम इन द नेचुरल सोर्सेज इज अ बेस्ट, बिकॉज देन दे आर बेस्ट सॉल्ट्स। जी, अगर हर चीज़ की गोली लेने से ही चल जाता तो डॉक्टरों को तो कभी कुछ खाना ही नहीं खाना पड़ता, मैं हर तरह की गोली ही ले लेती। आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन, जैसे आपने बोला गोलियों की वजह से, तो आजकल तो एक पूरा का पूरा एक नया साइंस आ गया है न्यूट्रास्यूटिकल, जहाँ पर बोलते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की है तो आप वो इन अ फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल ले सकते हैं। So that's a very wrong concept. इसके लिए तो मुझे तो लगता है कि दूसरा पूरा एक एपिसोड मुझे आपसे डिस्कस करना होगा, मगर अभी मैं शॉर्टली आपको बता सकती हूँ कि जितना आपको सब नेचुरल खाने में से सप्लीमेंट, चाहे विटामिन ई है, चाहे बी कॉम्प्लेक्स है, चाहे कैल्शियम है, चाहे आयरन है, जितना आप नेचुरल फॉर्म में लेंगे तो बिसाइड्स दैट कैल्शियम एंड विटामिन B12 यू विल गेट अदर नरिशमेंट आल्सो, यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड आल्सो, यू विल गेट प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन आल्सो। So always food is better in the most natural form. And if you are not able to get sufficient quantity for whatever reason, you must try to get the best nourishment from the natural sources. Okay. And take supplement only on doctor's advice, not like a fad, not like a fashion, not because everybody else is doing. That was a very important point jo hamare viewers ko bhi jana zaruri hai ki aap koi bhi dawa, क्योंकि कोई भी कैप्सूल है वो एक दवा फॉर्म में ही है, उसे ऐसे ही मत कंज्यूम कीजिए, आप अपने फिजिशियन से जानने के बाद, चर्चा करने के बाद ही वो कंज्यूम कीजिए। ये तो बात हो गई कि हमें नेचर के करीब जाना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में कैल्शियम को कंज्यूम करना चाहिए, मगर किस अमाउंट में? हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि कैल्शियम के नेचुरल सोर्सेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो वाइट कलर की चीज़ें होती हैं नेचुरल, वो उसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है। ओके। जैसे कि दूध, पनीर, चीज़, बनाना, कस्टर्ड एप्पल, जो सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा कैल्शियम नेचुरली ही होता है। ये तो बात हो गई सोर्सेज के बारे में, बट सबसे रिच सोर्स आपके मुताबिक क्या है? हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को सफिशिएंट क्वांटिटी में कैल्शियम लेना है पूरे दिन में, तो मिनिमम यू विल नीड अबाउट 500 टू 600 ml ऑफ मिल्क। जी। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो रोज का एक आध केला खा लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन ए, काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। सीजन है तो कस्टर्ड एप्पल भी ले सकते हैं। तो दूध लेना आवश्यक है, मगर दूध स्किम्ड लेना आवश्यक है। ओके। काफ़ी बार तो फॉरेन में आजकल ये भी कहते हैं कि आप स्किम मिल्क ले लीजिए, मगर कैल्शियम रिच बनाने के लिए उसमें स्किम पाउडर एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। ओके। सो दैट वे यू आर नॉट गेटिंग एक्स्ट्रा फैट, बट यू आर गेटिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोटीन एज वेल एज कैल्शियम। सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड इंडियन सोर्सेज में अगर आपको बताया तो पनीर इज गुड सोर्स, दही
दही इज अ गुड सोर्स. सो नेचुरल फॉर्म में ये सब आप ज्यादा ले सकते हैं. अगर बच्चों की बात करें तो हम सब बच्चों के लिए भी कम से कम 600 ml मिल्क रोज लेना आवश्यक है. काफ़ी बार बच्चे फंसी होते हैं तो मिल्क शेक ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मगर उन्हें इवन चीज़ विल हैव कैल्शियम. जी आई एम नॉट सेइंग कॉटेज चीज इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक. जो नॉर्मल चीज है मार्केट में मिल रहा है, जो पास्ता वगैरह में आजकल बच्चे पिज्जा उसमें भी आजकल स्किम मिल्क से बने हुए अगर मिल जाते हैं तो बेहतर होते हैं. तो ये चीज़ आपको कैल्शियम रिच नेचुरल खाना देंगी, टेस्ट देगी और सेटिस्फैक्शन भी देगी. दोस्तों अभी अभी हमने जाना कि जो मिल्क है वो कैल्शियम का सबसे ज़्यादा रिच सोर्स माना जाता है. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड फैक्टर. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कैल्शियम और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में. तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं. मीना जी, जैसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है और इसे किस तरह से हमें लेना चाहिए. वन एस्पेक्ट जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, तो क्या फीमेल्स के लिए भी कुछ क्वान्टिटी ऑफ इज इम्पोर्टेंट या कैसे लेना चाहिए उन्हें? वुमेन जो है ना वो जनरल तो खाने का ख्याल कम ही रखती है, मगर दूध पीने में बहुत ही आलसी होती है. बच्चों को दूध दे देंगी, हस्बैंड को दे देंगी, अगर घर में कोई बड़े हैं तो उन्हें भी दूध के लिए फोर्स कर देंगी, मगर खुद नहीं लेंगी. तो वुमेन के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दे टेक इनफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क एंड मे बी रिमेनिंग ऑफ कर्ड एंड बटर मिल्क एंड एवरीथिंग. तो और स्पेशली प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में चाइल्ड इज ऑल्सो ग्रोइंग विद इन द बॉडी, सो दे नीड मोर कैल्शियम. आई थिंक वी नीड टू सी कि हमारी जो लेडीज हैं या जो हमारी जो जनता है वो कितनी अवेयर है कि वुमेन्स को मिल्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. लेट्स हैव अ लुक. कैल्शियम इज बेसिकली अ कप ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग और रादर अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड कर्ड्स. नो आई डोंट नो वेयर कैल्शियम कम्स फ्रॉम. आई थिंक इट्स फ्रॉम माय टीथ और समथिंग. कैल्शियम इज गुड फॉर द बोन्स, फॉर द टीथ. And main thing is for the bones. Calcium come from milk, bananas, fruits. Calcium is most probably in a glass of milk maybe in the night. Calcium is good for your bones, for your teeth, even for your hair I've heard, I'm not sure. Well it strong, makes your bones stronger. जैसे कैल्शियम के लिए चाहिए तो जैसे पोटैटो है, आलू, उससे भी भरपूर कैल्शियम मिल जाता है. तो ये तो बात हो गई कि रिक्वायरमेंट की, हमारी बॉडी जो वुमेन्स की बॉडी होती है वो रिक्वायर करती है दूध लेना चाहिए, कैल्शियम इनटेक उनका ज़्यादा होना चाहिए. प्रेगनेंसी के दौरान इसका जो इनटेक है इंक्रीज है या रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है, उसके बारे में प्लीज़ डिटेल्स बताइए. हाँ, आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान लेडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसे 3 glass तक दूध तो लेना ही है. और काफ़ी बार डॉक्टर्स कैल्शियम सप्लीमेंट भी एडवाइस कर देते हैं, वो ज़रूर लेना है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स बोन्स, चाइल्ड्स डेवलपमेंट, एवरीथिंग. वैसे ही ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब वो बच्चे को अपना दूध दे रही है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ऑल्सो मस्ट टेक मोर मिल्क एंड इफ रिक्वायर्ड कैल्शियम सप्लीमेंट. ये दोनों चीज़ों का महत्व है. आई थिंक हमें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए कि आखिर किस एज ग्रुप में या किस कैटेगरी में हमें कितना कैल्शियम इनटेक करना चाहिए. प्लीज़ हैव अ लुक. ये तो बात हो गई कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से हमारा जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है. एक और कंडीशन है जो हमेशा सीधा या प्रोपोर्शनली यू नो इट इज़ एसोसिएटेड विद कैल्शियम, दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस. उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए. आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि काफ़ी बार ये वो होता है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है तो फ्रैक्चर्स जल्दी से हो जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा गिरते हैं और हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गए, बाथरूम में नहाने गए हैं और गिर जाते हैं तो लगता है कि वो हिप बोन में फ्रैक्चर हुआ है. आप समझ सकते हैं कि जो हिप बोन है वो इतना मोटा सा बोन है और थोड़ा सा बाथरूम में गिर गए और टूट जाए,
ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल. तो अभी हम डॉक्टर्स ही काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट गिर गया उसकी वजह से उसे फ्रैक्चर हुआ या फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से गिर गया. तो जैसे ही उम्र बढ़ती है हड्डियों में से कैल्शियम लीच होना शुरू हो जाता है, कम होना, पोरस हो जाते हैं. तो इसीलिए बचपन से ही अगर कैल्शियम इंटेक सफिशिएंट है, अगर कोई भी व्यक्ति रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग है, सूर्य नमस्कार है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है, अगर वो करते रहते हैं बिसाइड्स टेकिंग द कैल्शियम, देन द कैल्शियम विल गेट डिपॉजिटेड इनसाइड द बोन. सिर्फ कैल्शियम लेने से ही हड्डियां मजबूत नहीं होती है. कैल्शियम लेने के साथ जो आपने कैल्शियम लिया है वो हड्डियों तक पहुंचेगा कैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं? तो आई थिंक डॉक्टर आपने आज जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है कैल्शियम से रिलेटेड, इवन आपने ये भी बताया कि डाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें एक्सरसाइज के द्वारा, दैट वॉज अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर डॉक्टर दिव्यास फूड मंत्रा, और आज का मंत्रा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दोस्तों आज के पूरे एपिसोड में हमने बात की कैल्शियम के बारे में, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने छोड़ दिया, वो है विटामिन डी थ्री. विटामिन डी थ्री कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है. वो आपके बोन्स को सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं देगा बल्कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बनाएगा. दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल या कोई भी क्वेरी है डाइट या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53. आप हमें फोन भी कर सकते हैं 02266910096. हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com. हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com. फ्रेंड्स नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय. हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में. टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू.